नमस्ते, माय नेम इज भास्कर पांडे एंड आई एम थ्रिल्ड टू बी हियर फॉर द सैनिक स्कूल इंटरव्यू। आई एम करेंटली इन फिफ्थ ग्रेड एंड आई हैव बीन स्टडीइंग एट खुंगाकर। माय फेवरेट सब्जेक्ट आर रीजनिंग एंड जीके। मिस्टर भास्कर, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। सर, माय नेम इज भास्कर पांडे एंड आई एम थ्रिल्ड टू बी हियर फॉर द सैनिक स्कूल इंटरव्यू। सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल में दाखिला का जो सिलसिला है इस प्रकार है। सबसे जय हिंद एवरीवन, मैं सुशील खुंगा, डायरेक्टर खुंगा एकेडमी। अभी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के रिटर्न का रिजल्ट आ चुका है और क्लास सिक्स और नाइन्थ के लिए मार्च के फर्स्ट वीक से इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे। अब बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को भी एक ये क्वेश्चन है कि आरएमएस जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का इंटरव्यू हो किस तरीके से कंडक्ट होता है, किस तरीके से बच्चे को तैयार किया जाए और किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि बहुत मेहनत के बाद बच्चों का रिटर्न निकला है तो इंटरव्यू भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो इन सभी आपके जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं, उसके लिए मैं मेरे साथ हैं आज कर्नल डीके सिन्हा सर, जो कि कई इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर रहे हैं। इन्होंने मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, आरआईएमसी, एनडीए, काफ़ी बच्चों को एसेस किया है। तो आज सर से पूछेंगे। सबसे पहले तो सर, आपका स्वागत है खुंगा अकेडमी। थैंक यू सुशील जी। और सर, डायरेक्ट पहला ही क्वेश्चन ये होगा सर, जो बच्चे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए जाने वाले हैं, टाइम है थोड़ा कम क्योंकि 3 या 4 मार्च से इंटरव्यू स्टार्ट हो रहे हैं, तो बच्चों को सर पेरेंट्स किस तरीके से तैयार करें सर? बिल्कुल सही सुशील जी, ये अब समय आ गया कि इतनी कड़ी मेहनत के बाद बच्चों ने ये रिटर्न में क्वालिफाई किया। बच्चे साथ साथ पेरेंट्स भी इच्छुक हो गए कि उसका बच्चा फाइनली सेलेक्ट हो और अच्छे स्कूल में उसको एडमिशन मिले और वहाँ पढ़ाई करे। तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए, जैसे आपने रिटर्न की एग्ज़ाम की तैयारी की, उसी तरह जो है इंटरव्यू के लिए भी अपने को थॉट को, अपना ये नॉलेज को, विचार को एकत्रित करना और उसको प्रदर्शित करना ज़रूरी है। तो किसी भी एग्ज़ाम को के लिए तैयारी की ज़रूरत होती है, सिमिलरली इंटरव्यू के लिए भी आपको तैयारी करनी चाहिए। तो आप जो है पूरा जो है आत्मविश्वास के साथ जाइए और अपना चेहरे पे मुस्कुराहट रखें और आप ये इरादा रखें कि मैं इस तरह अपना व्यक्तित्व को प्रकट करूँगा, प्रस्तुत करूँगा, जिससे जो है इंटरव्यू बोर्ड, इंटरव्यू ऑफिसर जो है वो मुझे पसंद करें, मेरे जवाब को पसंद करें, मेरा जो है मैनरिज्म को पसंद करें। तो उस आत्मविश्वास से जाना है। ओके सर, बिल्कुल सही सर आपने बताया कि बच्चा जब इंटरव्यू रूम में जाए तो पूरा कॉन्फिडेंट होना चाहिए। दूसरा सर ने बताया कि बच्चा नेचुरल रहना चाहिए, कोई बनावटी बन के नहीं जाना। जो चीज़ें आप में हैं वही चीज़ें आप बताओ, क्योंकि ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताओगे तो सर के अनुसार आप खुद ही बच्चा ट्रेवल में आ जाएगा, तो ऐसी चीज़ें नहीं बतानी।